अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने उमंग सिंगार के विरुद्ध दर्ज मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। बदनावर गंधवानी के कांग्रेस के विधायक कद्दावर जनप्रतिनिधि उमंग सिंगार के विरुद्ध मामला दर्ज करने पर जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने विरोध जताया। श्री गौतम ने कहा कि उमंग सिंगार और उनकी पत्नी के बीच के मामले में प्रशासन को इतनी जल्दी कार्यवाही नहीं करना थी। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें बिना जांच किए बिना पक्षों के कथन लिए बगैर मामला दर्ज नहीं होना था। उमंग सिंगार पर दर्ज मामले को लेकर कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर विरोधियों द्वारा कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। उमंग सिंगार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में पति पत्नी के बीच का मामला सुलझा कर इसका पट्टाक्षेप किए जाने की मांग की है और क्या कुछ बोले सुने इस रिपोर्ट में। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर जो प्रकरण दर्ज किया गया उसके लेकर आप क्या कहेंगे? ये मैटर पति पत्नी का है, क्योंकि एक आदिवासी विधायक है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय सचिव है। कहीं कहीं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रकरण दर्ज कर रही है। अगर शिकायत आई भी थी तो कम से कम सरकार को, क्योंकि एक आदिवासी विधायक है और सरकार आदिवासी के भले की बात करती है, आदिवासियों के भले की बात करती है, सरकार को पहले इसमें इंक्वायरी करना थी, जिसके बाद उन्होंने केस दर्ज करना था। और ये केस दर्ज हुआ है, ये पति पत्नी का मैटर है, कभी कहीं ना कहीं आपस में मैटर होने की कोई संभावना है। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? 100% इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि बगैर जांच की इतनी जल्दी क्या थी जो प्रकरण दर्ज कर दिया गया। और क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा आ रही है, कहीं ना कहीं तो हैरान परेशान करने के लिए और कई लिए ये प्रकरण दर्ज किया गया है। आपका नाम? बाल मुकुंद सिंह गौतम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी।